हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं हूं रुज गुप्ता और स्वागत करता हूं कई नई वीडियो में। इस टाइम मैं हूं अभी झंडे वाला मंदिर जो कि है करोल बाग में, दिल्ली में है, और यहां पर मैं आया हूं और आपको माता रानी के दर्शन कराने वाला हूं और साथ साथ आपको ये बताने वाला हूं कि आप यहां पर कैसे पहुँच सकते हैं। आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ झंडे वाला मंदिर, और यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो काफ़ी फेमस डेकोरेशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो एंड तक पूरा देखना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिल्ली के मध्य में स्थित झंडे वालन एक सिद्धपीठ है। यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले झंडे वालन मेट्रो स्टेशन आना होगा, जो कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है यह मंदिर। आप चाहे तो रिक्शे से या फिर पैदल भी जा सकते हैं। झंडे वालन मंदिर एक ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है जो कि झंडे वाली माता को समर्पित है। दोस्तों, आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आप ये मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं अगर आप नवरात्रों में आते हैं तो। यह मंदिर झंडे वालन रोड करोल बाग में स्थित है, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ये करोल बाग रोड है। आप चाहे तो यहाँ पर बस से भी आ सकते हैं और अपनी गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग की भी फैसिलिटी है। मंदिर में जाने के लिए जो डायरेक्शन दिए हुए हैं उससे यहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। शूज़ वगैरह अपने जमा कराते हैं, उसके बाद आगे करते हैं मंदिर की स्टार्टिंग। अच्छा, अगर आप जब आते हैं यहाँ पर तो मंदिर में, तो सबसे पहले आपको शूज़ वगैरह डिपॉजिट करने पड़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद करते हैं मंदिर के अंदर एंटर। झंडे वाली माता वैष्णो देवी का ही रूप है। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप माता वैष्णो देवी की लाइन में लगे हो। तो हम लाइन में लग चुके हैं मंदिर जाने के लिए, और अभी काफ़ी लंबी लाइन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं, नवरात्र चल रहे हैं अभी। यहाँ के दर्शन करना मतलब वैष्णो देवी के दर्शन करने के बराबर है। नवरात्रों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, हर कोई यहाँ दर्शन करने के लिए आता है। अगर आप भी अभी तक नहीं आए हो तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें। दिल्ली का सबसे फेमस मंदिरों में से एक है ये झंडे वाला मंदिर। शाम होने के बाद यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो इस मंदिर को चार चांद लगाती है। आप यहाँ शाम को ही आना प्रेफर करें, आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। लगभग 100 साल पहले की बात है, इस जगह पर बहुत से लोग साधना करने आया करते थे। उनमें से एक थे बद्रीदास जी, जो कि वैष्णो माता के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक बार उन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ एक प्राचीन मंदिर था जो कि जमीन में धंसा हुआ है। उन्होंने तुरंत ही वहाँ खुदाई करवानी शुरू करवा दी। थोड़ी खुदाई के बाद वहाँ एक झंडा मिला, जिससे इस जगह का नाम झंडे वाला रख दिया गया। जब और खुदाई की गई तो जमीन में मां की मूर्ति पाई गई,
लेकिन दुर्भाग्य से माँ के हाथ खंडित पाए गए थे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करना मना है, इसीलिए माँ की मूर्ति में चांदी के हाथ बनवाकर लगाए गए। माँ की वह मूर्ति आज भी मंदिर गुफा में स्थापित है। नवरात्रों के अवसर पर इनका दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये था इस मंदिर का और इस वीडियो का इंटरेस्टिंग फैक्ट। कैसा लगा ये बार कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर माता रानी की गुफा है जो अभी बंद करी हुई है, अदरवाइज़ आप अल्टरनेट डेज में यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और साथ साथ आप इस मंदिर का लाइव टेलीकास्ट भी झंडे वालन यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक शिवजी का भी बहुत प्यारा मंदिर है, वो भी आप अल्टरनेट डेज में आके देख सकते हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ होने की वजह से ये अभी बंद करा हुआ है ताकि भक्तों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे आप मंदिर में दर्शन करके बाहर आएंगे तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे वहाँ पर आपको प्रसादम मिलेगा, प्रसाद मिलेगा लेने के लिए, और अब हम भी लेंगे प्रसाद, उसके बाद करते हैं यहाँ से एग्जिट। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताना और एक बार जय माता दी जरूर लिखना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।